emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. यहाँ के उत्तर प्रदेश की कई इंडस्ट्रीज ने बताया कि उनको गुजरात से, कर्नाटका से, राजस्थान से फोन आते हैं कॉल सेंटर के माध्यम से कि आप लोग आइए और आकर के उस स्टेट्स में इन्वेस्ट करिए. इस प्रकार से जो स्टेट की एजेंसीज है उनका रोल इतना ज्यादा चेंज हो चुका है. हमारा रोल ये है कि हम फैसिलिटेटर बने, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बताएं कि साहब आप हमारे प्रदेश में आएगा. और इसी लिहाज से अब जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा या SIDC का जब रिव्यू होता है तो हम उनसे पूछते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आप लेके आने वाले. हम उसे ये नहीं पूछते कि आप कितनी जमीन बेचने वाले हो. हमारा उद्देश्य यह है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, कितने बड़े इन्वेस्टर को लेके आ रहे हो, उनको कैसे फैसिलिटेट किया आपने, उनके साथ में आपने कौन सा नोडल ऑफिसर लगाया जिसने उसको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दिलवाए सारे के सारे. जब तक हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑनलाइन होगा तब तक हम कम से कम उसको ये फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उसको इधर उधर ना भागना पड़े और हम उसको एक जगह बैठ के सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं. तो ये एक परसेप्शन की बात है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे इनसाइट शुरू हुआ कि हम वी शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटिंग एजेंसी जहां पे कि हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करेंगे. जब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अक्रॉस द सेक्टर्स है. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग है, एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अलग है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में अलग है. और इसी भावना से जागृत करके हम लोगों ने अपनी पॉलिसी बनानी शुरू की है जिससे कि हम लोग पॉलिसी ऐसी बनाए जो कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा हो कि आदमी को जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रहा है इन्वेस्टर वो VIP की तरह फील करे. आपको हम लोगों ने भी स्टोरी सुनी, आप लोगों ने सुनी होगी कि जब कोई इन्वेस्टर जाता है कुछ स्टेट प्रदेश देश की कुछ स्टेट्स में तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके लाके होटल में ठहराने से लेकर उनकी सारी क्लीयरेंस दिलाने तक ये काम वहाँ की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज करती हैं. और हम भी ऐसा ही काम अपने उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रही है सिर्फ ये MOU साइनिंग एजेंसी नहीं है कि साहब हमने इतने MOU साइन कर ले. ये एक तरह से अनाउंसमेंट है कि साहब प्रदेश में आइए, प्रदेश में काम करने की प्रणाली तो टोटली चेंज हो चुकी है. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग का अब नया एक कार प्रणाली टोटली चेंज हो चुकी है. और ये कार प्रणाली कोई हम लोगों ने नई डिस्कवर नहीं की है, ये कार प्रणाली ऑलरेडी प्रदेश में, देश में कई जगह पे ऑलरेडी की जा रही थी. उसी चीज को हम लोग अपने यहाँ भी लाना चाहते हैं जिससे कि लोग जब यहाँ पे आए और प्रदेश जो कि जितनी ज्यादा जनसंख्या है, इतना बड़ा मार्केट है, उसका पोटेंशियल हम एक्सट्रैक्ट तब कर सकते हैं जबकि हमारे यहाँ पूरी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमारे यहाँ फैसिलिटेशन हो इंडस्ट्रियलिस्ट का और उनको किसी प्रकार की कठिनाई इंडस्ट्री सेटअप करने में ना हो. धन्यवाद. टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, डेयरी, पर्यटन, टेक्सटाइल बता दिया, बायोफ्यूल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, लेदर, इस तरह करके 13 सेक्टर्स हैं. और जो जहां तक आपने बात की है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी और हमारा एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास में प्रपोजल्स हैं एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में कि जो बगास होता है या चावल का वेस्ट होता है या म्युनिसिपल वेस्ट होता है उससे दो तरह के प्लांट है. एक तो 2G एथेनॉल प्लांट होता है और एक सीधे बायोडीजल या डीजल बनाने का प्लांट होता है. तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास में शेल कंपनी की टेक्नोलॉजी से सीधे डीजल, बगास से सीधे डीजल बनाने का ऑलरेडी हम लोग के पास में करीब 1200 करोड़ रुपए लगाने का उनका प्रपोजल है. उसी प्रकार से डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, थाईलैंड डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में थाईलैंड से प्रपोजल्स हैं, बड़ी बड़े मतलब काफी बड़े बड़े कंपनी से प्रपोजल हैं. नेदरलैंड्स के प्रपोजल हैं. इस प्रकार के जो हमारे फार्मर से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनमें भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, जापान से हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो है ही, ताइवान वगैरह की कंपनी काफी सारी आने में इंटरेस्टेड है. सर, माना जी से एक सवाल है.